हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्री वाइंस। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि चाचू थोड़ा बिजी है इसलिए। और आज है शिवरात्रि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। और अभी हम मंदिर जाएंगे, फिर तुम्हें दिखाते हैं। चाचू आ गए, चाचू ब्रश कर रहे हैं अभी, और अभी हम मंदिर जाएंगे। लेकिन इन्होंने हमें लेट करवा दिया। मैंने इनको सुबह फोन करा था, पता है, 6:30 कि चलो घूमने चलते हैं। बंदा सारा उठाए नहीं, और मेरे को कहते कि बेटा जी मुझे उठा देना सुबह, मैं उठ जाऊंगा पक्का, मैं उठाती हूँ, फिर ये लोग उठते नहीं है। क्या करें। और इधर गाने चल रहे थे और ये पागलों की तरह डांस कर रहे हैं। ऐसा सच, ये तो है ही पागल वैसे भी। ये देखो, ये नहीं कि नहा लूँ जाके, मतलब टाइम वेस्ट। और इधर बुआ मंदिर में पूजा कर रही हैं और अभी हम मंदिर जाएंगे। और ये रीवा बैठ रही है, गाने सुन रही है। और ये फिर से आ गए, फिर मतलब नहाने तो जाना ही नहीं है भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि नहाने चला जाऊँ। चलो अभी ना के आया, निकल यहाँ से। ये सब नहीं दिखाते लोगों को, सेंसर्ड चीजें हैं ये सब नहीं देखना। और आज हम कितने प्रिटी प्रिटी लग रहे हैं। रीवा भी बहुत आदो रीवा है। और जिसमें से हम दोनों ने तो व्रत रखा नहीं। हाँ। रीवा ने रखा है सर। गाइस हम सारे रेडी हो गए, तैयार हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। 11:30 मंदिर है शिवरात्रि। इनकी वजह से लेट हो गए हम। गाइस कैसा लगा रेड माय आउटफिट, आउटफिट दिखाना। ये शेर शेर। तो गाइस अभी दीदी की चप्पल गई है टूट, घर से निकले ही थे कि दीदी की चप्पल टूट गई है। देखो तैयार गया है, सर फोड़ दो हमारा। ये चाचू फूल लेते हुए इधर, ये ले रहे हैं फूल। ये हमारी महारानी के। हाय हाय हाय, अरे बड़ी प्यारी लग रही है। चलो चलो चलो, हम भी चलो। हेलो भाई, हेलो हेलो करते रहेंगे पूरे भाई। ये देखो मंदिर में बहुत क्राउड था, इट वॉज़ टू क्राउडेड, हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, तो हमें उसके बाद काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा था। और इधर ये चाचू तो तुम्हें दिखते रहते हैं भाई पूरा टाइम। ये और ये इनकी बहन एक जैसे हैं दोनों के दोनों। कभी भी बुआ के साथ मत आना, हम यहाँ पे ऐसे पागलों की तरह खड़े हैं, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, खुद सब कुछ पूरा करके आ गई है। मैं अभी बता रही हूँ, तुम लोग पीछे पीछे हो ना, हम अपना लेके आएंगे, ठीक है। और ये चाचू मन्नत मांगते हुए कि इनको अच्छी पत्नी मिले। मिलेगी मिलेगी, उसका भी टाइम आएगा, डोंट वरी। और ये बुआ हंस रही है इधर देख के। गाइस हम निकल चुके हैं। हाँ, हम लोग घर जा रहे हैं। और ये बेचारी थक गई है, तब से पकड़ मैं रखा था लेकिन थक गई है। आज इसने पूजा करी है, आज इसने पूजा करी है शिवरात्रि पे। हाँ जी, तो गाइस ड्रीम बिग, अब हम चलते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, मेरे को तो गाड़ी देने जाना है अभी तो। और आज हम खाएंगे पिज्जा बर्गर, दीपा को चिढ़ाएंगे एकदम, फिर तो बुआ को भी चिढ़ाएंगे, निक्की को भी चिढ़ाएंगे। इसके बाद हम घर चले गए और हमने रीवा को नहीं चिढ़ाया, वो बेचारी बच्ची है, क्या ही चिढ़ाएंगे, पहली बार व्रत रखा है उसने। और अब हम जा रहे हैं, सुनो हमारी बात, है ना, व्रत तोड़ दूंगी अपना। छोरा और छोरियों, मेरी बुआ ने बोला कि तुम लोग गाइस गाइस बहुत करते हो, इसलिए तुम कुछ अलग करो, अलग करो। तो इसलिए अब से हम बोलेंगे छोरा और छोरियो। छोरियो यो, बाय द वे, ये जो बुआ की बात कर रही है वो मैं नहीं हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है गाइस। हां ये बुआ है, वो दूसरी बुआ है, वो जो बुआ है वो समझ गई होंगी कौन सी बुआ है। तो आज का दिन यही खत्म होता है, शिवरात्रि मना ली हमने, हालांकि व्रत व्रत कुछ रखा नहीं था। मेरा हो गया था आधे दिन का, क्योंकि मैं 4 बजे खाना खाया था। समोसे, वाह क्या व्रत रखा है, और खोला भी कैसे है समोसे। तो और आज हमने ये डिसाइड किया है क्योंकि शिवरात्रि है, शिव जी ज्यादा हम पे मेहरबान हो रहे हैं, इसलिए आज हम सब लोग थोड़े ग्लो कर रहे हैं, स्पेशली अस गर्ल्स। ये देखो धूल मिट्टी वाला ग्लो। तो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी शिवरात्रि, सी यू नेक्स्ट शिवरात्रि।
तो भाई जब मैं घर आई तो रीवा तो डांस कर रही थी पुराने गानों पे। देखो क्या मस्त से डांस कर रही है, अपना इन्जॉय कर रही है। वैसे भी इसके पेपर ख़त्म हो गए तो इन्जॉय तो करेगी ये, मज़े कर रही है। और अभी भी मेरे को एडिटिंग करने में बहुत आलस आ रहा था, लेकिन फाइनली आई डिड यस गाइस, मेरे को मिला है अभी एडिटिंग का काम। चश्मा हटा दो यार, मैं बहुत देर से पहन रखा है। तो अभी मेरे को मिला एडिटिंग का काम। मैं एडिटिंग नहीं करके अभी भी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अभी मैं एडिटिंग करूँगी आराम से बैठ के। और मेरे साथ पहले मेरे पास सिर्फ आधा घंटा एडिटिंग का। अभी चाचू का फ़ोन आया था, नो एडिटिंग करके भेज दे, मेरे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई ये लोग, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो ब्लॉग का एंड वैसे मैंने कर दिया था पहले ही, या भी करा है, डोंट नो, बाय।